रोबोटिक्स की तकनीक से स्पाइन सर्जरी करने वाला भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन गया है। अभी तक इस तरह की तकनीक से अमेरिका में ही सर्जरी मुमकिन थी। रोबोट या रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपने सुना ही होगा। बीते कुछ वर्षों के भीतर कई बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों तक में ये सुविधा मौजूद हो चुकी है। दिल्ली के एम्स में भी एक ऐसी ही सर्जरी हुई है, जब एम्स में डॉक्टर ने नहीं बल्कि एक रोबोट ने सर्जरी की है। ये सर्जरी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी की गई है। एम्स ने ये भी दावा किया है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एक रोबोट ने एशिया में आम रोबोटिक स्पाइन सर्जरी की है। आपको ये भी बता दे कि ये ऑपरेशन पश्चिम बंगाल की 60 साल की वृद्ध महिला का किया गया। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि आम रोबोटिक सर्जरी में नुकसान का जोखिम कई गुना कम हो जाता है। एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर के मुताबिक रीढ़ की हड्डी की सर्जरी में थोड़ी सी भी गलती मरीज को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना सकती है। ऐसे में सटीक सर्जरी के लिए ये रोबोट काफी उपयोगी साबित होगा। स्पाइन की सर्जरी की बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, ऐसे में डॉक्टरों के हाथों में जरा सी कपकपाहट से केस बिगड़ सकता है। रोबोट हैंड बेहतर परफॉर्म करता है, जिसे सफलता की संभावना 99% तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।